कोरोना संक्रमण के विस्तार को देखते हुए चेटीचंड जुलूस सहित अन्य जलसों को रद्द करने की मांग। विधायक ने प्रशासन को गुमराह करके ली जुलूस की अनुमति। कोविड 19 की फैल रही बीमारी के कारण जिला प्रशासन द्वारा धार्मिक आयोजनों और जुलूस के लिए दी गई स्वीकृति तुरंत प्रभाव से रद्द करने की मांग करते हुए शुक्रवार को प्रबुद्ध जन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि राजस्थान के सभी जिलों में कोरोना के रोगी दिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार इस बीमारी को लेकर प्रतिदिन रोगियों की संख्या को लेकर गंभीरता से चिंतन कर रही है। मुख्यमंत्री द्वारा नगर निगम व पुलिस प्रशासन से कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए बार बार नई गाइडलाइन के निर्देशों के तहत उनका कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। निर्देशों की पालना नहीं करने पर दुकानें सीज कर उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। वहीं विधायक वासुदेव देवनानी आम जनता की बीमारियों को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। उन्होंने प्रशासन से चेटीचंद पर्व के जुलूस की अनुमति जिला कलेक्टर को गुमराह करके ली है। आपकी जानकारी में लिया जाना आवश्यक हो जाता है कि उक्त चेटीचंद के जुलूस में लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उनको संभालने के लिए प्रशासन को पसीने आ जाते हैं। ऐसे में चेटीचंद पर्व, महावीर जयंती पर्व और रामनवमी पर्व के जुलूसों को निकालने की अनुमति प्रदान करना गैरकानूनी है। एक साथ 15,000 लोगों की कोविड 19 की आरटीपीसीआर जांच 13 अप्रैल से पहले कराया जाना कैसे संभव है? ऐसे में कलेक्टर द्वारा दिए गए जुलूस के आदेशों के कारण आम जनता में एक बड़ी जनहानि होने की पूरी संभावना है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जो आदेश जुलूसों को लेकर पारित किए गए हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से रद्द करें, ताकि कोरोना महामारी से आम जनता को बचाया जा सके। क्यों ज्ञापन देने की स्थिति आई? आज मैं जिला कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन देने आया हूँ, और जो जुलूस की अनुमति उन्होंने दी है चेटीचंड के लिए और महावीर जयंती के लिए और रामनवमी के लिए, वो बिल्कुल गलत तरीके से दी गई है। दूसरा ये है कि धारा 144 लगा रखी है, रात को कर्फ्यू लगा हुआ है, दिन में चलान किए जा रहे हैं। एक तरफ पब्लिक के साथ सख्ती की जा रही है, दूसरी तरफ ये अनुमति देके यहाँ बहुत बड़े हादसे को निमंत्रण दिया जा रहा है, तो ये गलत तरीके से है। इस मामले में मेरी कलेक्टर साहब से बहुत डिस्कस हुआ है। मैं कहा सर, ये आपने बहुत गलत स्टेप लिया है। कुछ नेता लोग हैं जो अपने स्वार्थ के कारण इन्हें पब्लिक की जान के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं, वो अपना नाम चमकाने के लिए इस जुलूस की अनुमति लेने आए हैं, वो गलत है। जबकि मुख्यमंत्री साहब के साफ डायरेक्शन है कि मतलब कड़ाई से पालन किया जाए नियमों का। और क्या मानते हो कि जैसे कि जुलूस निकलेगा तो बड़े स्तर पर भीड़भाड़, वो तो भीड़भाड़ रहती है। चेटीचंड का एक ऐसा जुलूस है जिसमें लाखों आदमी मतलब उस जुलूस में शामिल होते हैं, उनकी कैसे जांच होगी, वो कैसे व्यवस्था होगी, प्रशासन के मतलब कैसे करेगा, वो ये जवाब पूरा पूरी तरह से इन्होंने जवाब दे नहीं पाए मुझे कि हम कैसे व्यवस्था करेंगे, कोरोना की जांच कैसे करेंगे इन लोगों की। तो ये गलत है, ये जुलूस की अनुमति देना है, उससे बहुत बड़ा हादसा अजमेर शहर में हो सकता है। क्या मानते हो कि 2 दिन में इतने कोरोना की जाँच नहीं हो सकती? किसी, मैंने यही तो लिखा अपने पॉइंट में कि भाई ये 15,000 आदमियों की कह रहे कि हम जांच कराएंगे, जुलूस में शामिल होंगे, मगर ये 15,000 आदमियों की जांच कराना बहुत संभव नहीं है। और उसके बाद में पब्लिक जो बाहर बैठेगी, वो छतों के ऊपर खड़ी रहती है हजारों की तादाद में, उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? तो उस पर मतलब वो उन्होंने कहा कि हम देखेंगे इसको, मीटिंग वापस बुलाएंगे। क्या मानते हो दूसरे देशों में डेड बॉडी जलाने के लिए क्यों में लगना पड़ रहा है? ये महाराष्ट्र के अंदर बिल्कुल क्लियर, इसमें व्हाट्सएप पे भी आ रहा है और सोशल मीडिया पे भी क्लियर आ रहा है कि उसमें एक वेन के अंदर नौ लाशें इकट्ठी होकर आ रही हैं और उनको क्यू के अंदर लग के और उनको संस्कार किया जा रहा है उनका। तो ये गलत है, इस तरह से कोई बड़ा हादसा अजमेर में शहर में हो सकता है? जुलूस पे पाबंदी लगनी चाहिए, और ये मेरा कहना है।